Marazzo presents Kaun Banega Karolpati? Associate sponsors Havels Lighting and Nerolac Paints. Wardrobe partner Raymond. Health partner Fortune Rise Brand Health Order. आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। खेल चाहे टेलीविजन में हो या मैदान में, एक समानता होती है उनमें, और वो है वहां बैठी जनता, दर्शक, यानी कि आप सब लोग। दर्शक जो है वो हर खेल का अहम हिस्सा होते हैं। इनका प्रोत्साहन खिलाड़ी के अंदर जोश भर देता है, इनकी मायूसी खिलाड़ी को और बेहतर खेलने के लिए मजबूर कर देती है, और इनकी उम्मीद खिलाड़ी को एक मकसद दे देती है। ये हर मंच में होता है, हर मैदान में होता है, लेकिन जहां दर्शक खुद खेल के परिणाम का हिस्सा होते हों, ऐसा कहीं में नहीं होता है सिवाय इस मंच पे। देखिए, ये एक ऐसा मंच है जहां जनता सिर्फ दर्शक नहीं होती बल्कि खेल का हिस्सा बन जाती है। इस खेल के इतिहास में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं होगा जिसकी जीत में यहां बैठी जनता ने अहम भागीदारी ना निभाई हो। यहां हर जीत में हमारी ये प्यारी जनता हिस्सेदार होती है, भागीदार होती है, साझेदार होती है। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी होनहार जनता हमारे इस हफ्ते के बाकी बचे खिलाड़ियों के सपने पूरे करने में हमेशा की तरह हिस्सेदार बनेगी। इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर इनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अंबर, ताली मस्ती रहनी चाहिए उनके लिए। अंबरनाथ महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी काउंसिल में क्लीनर मनीष पाटिल, पलवल हरियाणा से एक टीचर किशन कुमार, फिराते रोहिणी दिल्ली से एक स्टूडेंट जिनका नाम है कृतिका रानी, नोएडा उत्तर प्रदेश से अर्पणा गर्ग जी के जो कि काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, फिराते नक्सलबारी वेस्ट बंगाल से कौशिक चक्रवर्ती एक फर्नीचर बिजनेसमैन, फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर सुकन्या प्रधान फ्रॉम उड़ीसा बलांगीर, भिलाई छत्तीसगढ़ से एक होम ट्यूटर नीलिमा विजय अय्यर, और अंत में होशंगाबाद मध्य प्रदेश से एक शिक्षक जिनका नाम है फैज मोहम्मद खान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो हमारे प्यारे कंटेस्टेंट्स, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं और आपका ध्यान अब स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। वहां आएगा एक प्रश्न, सही उत्तर दीजिए और चलिए हमारे साथ वहां हॉट सीट पर। रेडी हो जाइए कंटेस्टेंट्स, रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले से शुरू करते हुए, इन राजनीतिक दलों को उनके गठन के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाएं, यानी जो पहले गठित हुए वो पहले आएंगे, समझ गए? अरेंज दीज पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फाउंडेशन। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी आम आदमी पार्टी, डी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले गठित हुई ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, फिर आई भारतीय जनता पार्टी बी 1980 में, 1980 में, फिर डी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, और फिर आता है आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में, सी। ये है सही क्रम, ए बी डी सी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। इन सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका है? फैज मोहम्मद खान। बहुत बहुत बधाई हो, क्या हाल चाल है? बहुत देर से परेशान कर रहे थे, काम काम। फैज मोहम्मद खान,
सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं एक टीचर फैज मोहम्मद खान, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आए हैं। फैज भाई की चाहत है बस इतनी कि इन्हें हैप्पी लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो और एक ब्यूटीफुल वाइफ हो। यस सर, सही कहा हमने? बिल्कुल सर, आपने ऐसा लिखा था इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। यस सर, तीनों चीज़ें जो हैं आपके जीवन में आ गई हैं या नहीं? सर हेल्दी लाइफ है लेकिन ब्यूटीफुल वाइफ नहीं है सर। अभी नहीं आया क्यों? सर सर्चिंग जारी है और इंशाल्लाह अम्मी देख रही हैं तो बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है आ जाएंगी। आ जाएंगी। ओके फैज भाई, आपके कंपेनियन के रूप में आपकी माताश्री आई हुई हैं हैदरा कौजर खान। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपके वालिद साहब भी आए हुए हैं, वालिद साहब उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका। फैज भाई बहुत जल्दी आपके सामने, पहले मैं नियम रख देता हूँ इस खेल के नियम। देखिए यहाँ पर आएगा 15 प्रश्नों का एक धनालय। खड़ा हो जाओ भाई, धनालय। 15 प्रश्न आएंगे, 1,000 रुपये से शुरुआत होगी और चढ़ते चढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपये। बीच में 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 3 लाख के बाद कोटि की चोटी का द्वार खुल जाता है जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपये। घड़ी बड़ी जी यहाँ पर चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड और अगले 5 प्रश्नों के लिए मिलेंगे 60 सेकंड, उसके बाद समय ही समय है। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन हैं। निकलो भैया लाइफलाइन, ये आ गए, यहाँ आ जाना। तो सबसे पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता। हमने अपने अभी शुरुआत में कहा था कि कितनी जागरूक होती है जनता। यस सर, इनकी मदद कीजिएगा। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिट जाएंगे और 2 बचेंगे। उसके बाद जोड़ीदार, जोड़ीदार के रूप में आप ईशान साहू जी को लाए हैं, आपके मित्र हैं ये। यस प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत हमारे सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। और अंत में है एक्सपर्ट एडवाइस, वीडियो कॉल के द्वारा आप हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो हमारे देवियों सज्जनों, आज की एक्सपर्ट बहुत ही अनुभवी पत्रकार, टीवी पर्सनालिटी और इंडिया टुडे की न्यूज एडिटर पद्मजा जोशी जी हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। पद्मजा जी राम आपको और बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ की जनता आपका अभिनंदन कर रही है और फैज मोहम्मद खान हमारे सामने हॉट सीट पर हैं, जब कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ये आपसे सलाह मशवरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहें प्रोत्साहित करने के लिए फैज भाई को, तो आप अभी बोल सकती हैं। बिल्कुल फैज साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं, ना सिर्फ आज की हॉट सीट के लिए पर आपके आगे का जो आपका खोजी अभियान जारी है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पद्मजा जी। तो पद्मजा जी हमारे साथ ये पूरे एपिसोड में बनी रहेंगी, जब तक खेल खत्म नहीं होता हमारे साथ ही रहेंगी। तो जब कभी भी आपको जरूरत पड़े आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब ये जो घर बैठे हुए ना आप लोग हमारा खेल देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ खेलते रहिए क्योंकि आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। फैज भाई तैयार हैं? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ फैज भाई। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, 1,000 रुपए इसका मूल और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहरुख खान की इस फिल्म के शीर्षक राजू बन गया डैश से कौन सा शब्द गायब है? What is the missing word in this शाहरुख खान फिल्म टाइटल राजू बन गया डैश? ए ऑफिसर, बी जेंटलमैन, सी हीरो, डी बाप। सर इट्स बी जेंटलमैन। बी जेंटलमैन, ताला लगा दें। यस जेंटलमैन, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 1,000 जीत गए। ये फिल्म 1992 में बनी थी, राजू बन गया जेंटलमैन। इसे अजीज मिर्जा साहब ने डायरेक्ट किया था, शाहरुख खान थे इसमें, जूही चावला थी लीड रोल्स में। यस सर। आपने देखी थी फिल्म? यस सर, फिल्म भी अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। गाने बहुत अच्छे थे इसके? बहुत अच्छा सर। वाह क्या बात। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, 2,000 रुपए अगला प्रश्न। फैज भाई स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुछ या किसी चीज से बचकर निकलने की सूरत में इनमें से कौन से शब्द का इस्तेमाल सबसे उपयुक्त होगा? Which of these phrases
is most appropriate when you are avoiding something or someone. और आपके ऑप्शन हैं ये ए पेंच लड़ाना, बी कन्नी काटना, सी ढील देना या डी मांझा लपेटना। सर इट्स बी कन्नी काटना। बी कन्नी काटना? यस सर। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 2000 जीत गया। कन्नी काटना, किसी से अलग होना हो तो कहते हैं कि कन्नी काट गई है। यस। भगवान न करे आपको कभी ऐसा मौका मिले जब आपको किसी के साथ कन्नी काटनी पड़े। आप समझ गए मैं किन की बात? यस सर। समझ गए जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा टर्म फुटबॉल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ दीज टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? ए पेनल्टी किक, बी डायरेक्ट फ्री किक, सी ऑफसाइड या डी पेनल्टी स्ट्रोक। फुटबॉल वगैरह देखते हैं, खेलते हैं? सर फुटबॉल का इतना शौक नहीं है मुझे, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाए खड़ी भाई जी, बड़ी जल्दी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फैज भाई। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहिए। ओके ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, बड़ी जल्दी आ गई आपकी बारी। प्रश्न पढ़ता हूं, इनमें से कौन सा टर्म फुटबॉल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ दीज टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? ए पेनल्टी किक, बी डायरेक्ट फ्री किक, सी ऑफसाइड, डी पेनल्टी स्ट्रोक। और आपका समय शुरू होता है अब। डी पेनल्टी स्ट्रोक दिया जनता ने, क्या करेंगे फैज भाई? सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। ओके डी पेनल्टी स्ट्रोक पे थोड़ा लगाया जाए, जनता बिल्कुल सही बोल रही है। पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो समटाइम्स नोन एज पेनल्टी फ्लिक, सबसे ज्यादा सिवियर पेनल्टी होती है हॉकी में। ओके सर। और ये स्ट्रोक जो होता है वो एक पेनल्टी स्पॉट होता है गोल के सामने, जो कि तकरीबन आधे रास्ते पे होता है गोल से, और वो डी के पीछे वहाँ से एक खिलाड़ी आकर के सिर्फ गोली, इट्स लाइक अ पेनल्टी किक जैसे फुटबॉल में होता है। वहाँ से इसको फ्लिक कर देते हैं और गोल हो जाता है। बाकी सब जो है वो सब फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल वगैरह नहीं देखते आप? नहीं सर फुटबॉल। अरे अभी वर्ल्ड कप हुआ रशिया में, इतना बढ़िया। सर वर्ल्ड कप देखा, पता चला कौन जीता, लेकिन अच्छा गेम फॉलो नहीं करते? नहीं बिल्कुल फॉलो नहीं करता। ओके चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है? विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस? ए ईद उल अदहा, बी ईद उल फित्र, सी मिलाद उन नबी या डी चेहलुम। सर इट्स ए ईद उल अदहा। ए ईद उल अदहा। यस सर। ताला लगाने लायक? प्लीज सर। कमीना महाशय प्लीज लॉक ए ईद उल अदहा। सही उत्तर आपका, 5000 जीत गए। ईद उल अदहा जिसकी अरबी भाषा में अर्थ होता है कुर्बानी का त्योहार, इसे बकरीद भी कहा जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवन दान yes. दे दिया था, और अभी हाल ही में ईद उल अदहा मनाया गया था। ओके फैज भाई आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न खेल का यह है पहला पड़ाव, और इसका मूल्य है 10000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो में यह किरदार किस खेल के एक टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं? द कैरेक्टर्स इन दिस वीडियो आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टूर्नामेंट इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? पहले वीडियो दिखा दिया जाए, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? गलत के पीछे छोड़ के चली के एक बार फिर देखना चाहेंगे? नहीं सर।
पहचान लिया? वाह क्या बात है फैज भाई। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और वो है ए रेसलिंग, बी वेट लिफ्टिंग, सी बॉक्सिंग या डी एथलेटिक्स, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी या एथलेटिक्स। सर प्लीज लॉक ए कुश्ती। ए कुश्ती, ताला लगा दिया जाए। यस सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। ए पे ताला लगाइए कमीरो जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया पांच प्रश्नों का सही उत्तर देकर। ये फिल्म थी दंगल। दंगल। ये कहानी थी दो बहनों की, गीता फोगाट और बबीता कुमारी। आपने देखी थी ये फिल्म? यस सर। देखी थी? फिल्म वगैरह देखते हैं? यस सर। ओके, कैसी लगी आपको ये फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म थी सर। जी जबरदस्त। बहुत प्रचलित हुई, बहुत चली, खासतौर पर चाइना में काफी। चाइना में बहुत चली। चाइना में आजकल हमारी फिल्में जो है काफी अब चलने लगी। यस सर। ओके फैज भाई, पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। थोड़ा सा बदलाव आएगा, 45 सेकंड से अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। अब आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपये। तैयार हो जाइए फैज भाई। प्रश्न डालने से पहले आपके ऊपर एक जो वीडियो बना हुआ है, yes, sir. वो देख लिया जाए। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैं 29 साल का हूं और मैं होशंगाबाद से। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एक टेलीकॉम कंपनी में काम किया दिल्ली में, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जॉब मेरे प्रोफेशन का नहीं है, देन कम मैं टीचिंग लाइन में है। मैं टीचिंग मैंने स्टार्ट किया दिल्ली से और मैं अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे फिट रहना, हेल्दी रहना बहुत पसंद है। नॉर्मल लाइफ जीने में मुझे मज़ा नहीं आता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। मैं अकेला होता हूँ तो एक्टिंग भी करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, थोड़ी सी डांसिंग भी करता हूँ, शायरीज मेरे फेवरेट हैं। बचपन से स्पीचेस देता था स्कूल में और मेरी स्पीचेस बड़ी पसंद की जाती थी, तो वहीं से मुझे ख्याल आया कि मैं एंकरिंग भी कर सकता हूँ। मम्मी ने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी हैं मेरी सक्सेस के लिए और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मम्मी की दुआएं हैं, उनकी नमाज़ें हैं जो आज मैं KBC में हूँ। अगर मैं 7 करोड़ जीतता हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जहाँ पर हम उन बच्चों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएँ जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ फैज भाई। यस सर, थैंक यू सर। वालिद और वालदा की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। शायरी आपको कैसे पसंद आ गई? सर शायरी मम्मी की तरफ से जेनेटिकली आई है मुझ में। अच्छा। नाना साहब जो थे वो शायर थे। अच्छा। भोपाल रियासत में नाना साहब जो है मुंशी थे और बहुत अच्छे उर्दू के शायर थे, तो नाना साहब से वो ट्रांसफ़र हुई मामू साहब में और अम्मी से मुझ में आ गई है जो है। तो सर शायरी करता रहता हूँ जी, और बहुत अच्छी शायरी तो नहीं है लेकिन टांग टूटी शायरी है मेरी। टांग टूटी, सुनाइए हमें कोई टांग टूटी शायरी अपनी। सर अर्ज है कि मेरा अंदाज मेरे राज को राज नहीं रहने देता। मेरा अंदाज मेरे राज को राज नहीं रहने देता, गर्दिश में भी इन अशकों को नहीं बहने देता। तरबियत ही कुछ ऐसी है मेरे वालिदैन की शायद, जो अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं करने देता। क्या बात है, वाह बहुत गुड। झूठे झूठे लफ्जों की तिजारत नहीं करने देता और मेरे राज को राज नहीं रहने देता। अक्सर ही छुपाता हूँ अंदाजे शायर शहर मुंबई से, सुना है फैज ने ये शहर शायर को शहर में नहीं रहने देता। जान लेता है और आखिरी ख्वाहिश भी नहीं कहने देता, मेरा अंदाज मेरे राज को राज नहीं रहने देता। बहुत खूब, मेरा अंदाज। फैज भाई मेरी गुजारिश है कि आप अपने ये जो शेर है इनको छपवाइए। इंशाल्लाह सर, जरूर। आपने कहा तो छपवा। नहीं नहीं अवश्य। मेरा ऐसा मानना है, देखता हूँ मैं, कि आजकल जो नई पीढ़ी है यस सर, वो इन सब चीज़ों में उनका जो रुझान है, रुचि है, वो हट गई है। और जब आप एक नौजवान इस तरह की चीज़ें करेंगे, काम करेंगे, तो शायद उनके अंदर एक बार फिर से ये बात जागृत हो। बहुत खूब फैज भाई। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी? विद इन विच ऑफ दीज मीडियम्स इज द स्पीड ऑफ साउंड
the fastest. Yes, sir. Options A, vacuum, B, air, C, water, or D, steam. Sir, please lock D, steel. D, steel? Yes, sir. Sure, hai? Yes, sir. Final uttar. Yes, final uttar, sir. Steel, D pe thala lagaiye, Kambira ji. बिल्कुल सही उत्तर आपका, बड़ा 20,000 जीत गए आप. स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज जीरो, इन एयर इट इज 343 मीटर्स पर सेकंड, इन वाटर इट इज 1,493 मीटर्स पर सेकंड, एंड इन स्टील इट इज 5,130 मीटर्स पर सेकंड. कैसे पता था आपको इसका उत्तर? और सर मुझे पता था कि जितना सॉलिड होगा उसमें उतनी ज्यादा साउंड की स्पीड होगी. सो स्टील सबसे सॉलिड है, दैट इज व्हाई स्टील. ओके, वेल डन, काफी अच्छा एनालिसिस किया आपने. अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं फैज भाई. सातवां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए. यस सर. और 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये किन की आवाज है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको पहचानना है कि ये आवाज किन की है. कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ये बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आवे. अब वो एक तो मेरठ की जबान है और वो कैरेक्टर मेरठ का है, और वो लड़की जो हर बात में गाली देती है, आई मीन दैट्स द फन व्हिच आई थिंक शैलेंद्र जैसे शायर से हमने सीखा, जो मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी कहता है, तो मतलब एक लेयर दूसरी रखता है साथ में जब कहता होंगे राजे राजकुमार. फिर से सुनना चाहेंगे जी? एक बार फिर से सुनाइए. ये बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आवे. अब वो एक तो मेरठ की जबान है और वो कैरेक्टर मेरठ का है, और वो लड़की जो हर बात में गाली देती है, आई मीन दैट्स द फन व्हिच आई थिंक शैलेंद्र जैसे शायर से हमने सीखा, जो मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी कहता है, तो मतलब एक लेयर दूसरी रखता है साथ में जब कहता होंगे राजे राजकुमार. ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. आपके ऑप्शंस हैं ये, ए गुलजार, बी जावेद अख्तर, सी निदा फजली, या डी सलीम खान. सर प्लीज लॉक ए गुलजार. श्योर है? यस सर. फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर. ए गुलजार. ताला लगा जाए कंप्यूटर जी. एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड. 40,000 रुपए जीत गए. लेखक, निर्देशक, लिरिसिस्ट गुलजार भाई, ये उनकी आवाज थी. यस सर. सर शायद कुछ वर्णन कर रहे थे. यस सर. किसी फिल्म के बारे में जी. सर गुलजार साहब अगर मेरी शायरी सुन लें तो मुझे गोली मार देंगे. अच्छा, क्यों सोचते हैं? सर क्योंकि शायरी में होता है कि आपको एक उस्ताद की जरूरत होती है जी. जैसे मैंने शुरू किया है, वैसे लिख बहुत दिनों से रहा हूँ मैं, लेकिन शायरी में बहर होना बहुत ज़रूरी है, शायरी में रदीव काफिया सही होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, और वो उस्ताद अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ. शायद वक्त की कमी की वजह से वो मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि बहुत अच्छे उस्ताद मुझे मिलें, और शायद यहाँ कोई देख रहा हो तो वो मुझे अपना शागिर्द बना ले. जी जी. तो शायरी में और निखार आएगा, तो दैट इज़ व्हाई मैंने कहा कि अगर गुलजार साहब या जावेद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर देख लें तो. नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए. यस सर. जब आपने शायरी पढ़ी, देखा नहीं आपने जनता ने ताली बजा दी? मैंने सुना था. आपने सुना नहीं? एक बार फिर देखिए. सर मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था और खो गया था सर. सर कुछ अर्ज करना चाहूँगा. जी जी. अब सर बेसिकली आप ही से सीखा है मैंने एंकरिंग करना. मैं एंकरिंग भी करता हूँ कभी कभी छोटे मोटे प्रोग्राम्स में. एंकरिंग किस तरह की एंकरिंग? सर हमने कोई शो वगैरह हो? यस सर. बहुत सारे शोज हैं छोटे मोटे, लेकिन एक शो है अशफाकुल्लाह खान साहब जो है, शहीद अशफाकुल्लाह खान. जी जी जी. तो 19 दिसंबर उनका शहादत का दिवस है, तो हम उस दिन एक मुशायरा करवाते हैं होशंगाबाद में, और मैं उसकी थोड़ी सी एंकरिंग करता हूँ. और आपको ही फॉलो किया है, जिस तरह से आपकी आवाज़ में बेस है, आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं. अरे कुछ नहीं कहते हैं भाई साहब. मेरी बड़ी तमन्ना थी सर कि मैं उस शायरी को, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा. जी जी. आपकी पढ़ी हुई शायरी है सर. हाँ, ओहो. परमिशन है सर? हाँ बिल्कुल. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में न गुजरने पाती तो ये शादाब हो भी सकती थी. ये रंज गम की शाही जो दिलों पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका.
मगर ये हो ना सका और अब तो ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह मेरी जैसे इसे किसी सहारे की आरजू नहीं। ना कोई राह है ना कोई मंजिल न रोशनी का सुराख। भटक रही है जिंदगी अंधेरों में यूं इन्हीं अंधेरों में कहीं खो जाऊंगा। मैं जानता हूं मेरी हमनफस पर कभी कभी यूं ही मेरे दिल में ख्याल आता है। बात है बहुत खूब फैज़ भाई। एक आध शब्द जरा इधर उधर बोल दिया था आपने। अच्छा सर। लेकिन सर इसलिए मैंने पहले सही था। माफी मांगी थी सर। एक आध शब्द इधर उधर नहीं कोई बात नहीं लेकिन अच्छा था। थैंक यू सर। ओके फैज़ भाई आगे बढ़ते हैं खेल में। आठवां प्रश्न आएगा आपके सामने। yes, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ये लेखक कौन है? हु इज द इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड ऑथर। और आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। तस्वीर दिखाई जाए कुछ पहचान में आ रहा है? ऑप्शंस ऑप्शन देखिए। ऑलराइट। ए देवदत्त पटनायक, बी सिद्धार्थ मुखर्जी, सी रोहिंटन मिस्त्री या डी विक्रम सेठ। सो विल गो फॉर अ लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। एक लाइफलाइन और लेंगे फैज भाई। कौन सी सर? आस्क द एक्सपर्ट्स। आस्क द एक्सपर्ट। ओके कमिरा महाशय, आस्क द एक्सपर्ट जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। और पद्मना जी आपको अब सामने आना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी आपको फैज भाई की। पद्मा जी आपने प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा और ये पिक्चर भी आपने देख ली होगी। मैं ऑप्शन रखूंगा आपके सामने और आपको मिलेंगे 60 सेकेंड उत्तर देने के लिए। तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर ये लेखक कौन है और आपके ऑप्शंस हैं ये ए देवदत्त पटनायक, बी सिद्धार्थ मुखर्जी, सी रोहिंटन मिस्त्री या डी विक्रम सेठ। 60 सेकंड चल पड़े। इसका जवाब है 99.999% इसके मैं श्योर हूं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ शो मैम जी डी बिल्कुल श्योर। ये बहुत ही फेमस इंडिया टुडे का कवर था। ओके डी विक्रम सेठ। ओके सर प्लीज लॉक डी विक्रम सेठ। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। सहमत हैं आप पद्मजा जी से? ऑलराइट कबीर महाशय डी विक्रम सेठ। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है पद्मजा जी। वेल प्लेड। यू वेलकम। 80,000 रुपए जितवा दिए आपने फैज भाई को। विक्रम सेठ एक मशहूर लेखक और कवि भी हैं जिन्होंने द गोल्डन गेट और टू लाइव्स जैसे कई किताबें लिखी हैं। वे सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे हाल ही में। जैसा कि आप जानते होंगे पढ़ा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला दिया। ये विक्रम सेठ थे मशहूर लेखक। दो लाइफलाइन चली गई आपके फैज भाई। कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ नहीं खेला? विच ऑफ दीज टीम्स हैज नॉट प्लेड देयर फर्स्ट एवर क्रिकेट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी आयरलैंड, डी जिम्बाब्वे। पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ नहीं खेला है। लाइफलाइन। शांत हो जाएं घड़ी भर जी। एक और लाइफलाइन लेंगे। फैज भाई आपके पास दो बची हुई लाइफलाइन है, एक जोड़ीदार और एक 50-50। कौन सी लेंगे सर? 50-50 लेंगे। 50-50 करना चाहेंगे। ओके
कमिटी महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और इन चार ऑप्शंस में से दो गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। अफगानिस्तान, आयरलैंड बचा। सर इट्स सी आयरलैंड। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कंप्यूटर महाशय सी आयरलैंड पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गया फैज भाई। आयरलैंड ने मई 2018 में अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। बांग्लादेश ने 2000 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। 1992 में जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जबकि अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट भारत के खिलाफ 2018 में खेला, बेंगलोर में खेला। बेंगलोर। तीन लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया आपने। यस सर। और अब आ गए हम खेल के दूसरे पड़ाव पर, जो कि है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। बहुत ध्यान से होशियारी से खेलिएगा। यस। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। फैज भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या जानवरों, पौधों या बैक्टीरिया की जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं? Which of these can multiply only in the living cells of animals, plants or bacteria? Option suniye: A. Fungus, B. Protozoa, C. Virus ya D. Algae. Ye hai phaphund, protozoa, vishanu, shaivan. Can only multiply in animals, plants and bacteria. Sir, it's C virus. C virus? Yes, sir. Sure hai? Yes, sir. Final uttar aap? Final. Lock kar de? Yes, sir. C virus pe taala lagaiye Kabir ji. You are right. Well played. 3,20,000 rupaye ka check aa raha hai aapke naam, Faiz bhai. तालियां बजती रहे इनके लिए। तीन लाख बीस हजार रुपए का चेक ये आपका हो गया रखी। बिल्कुल सही उत्तर था आपका। वायरसेस आर नॉट फ्री लिविंग। फ्री लिविंग, यस। दैट इज दे कैन नॉट लिव आउटसाइड ए लाइव होस्ट सेल। यस सर। एंड कैन ओनली रिप्रोड्यूस एंड कैरी ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनसाइड A host cell. Yes, sir. मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी, आपको कैसे पता चल गया? सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में। पढ़ा था? पढ़ा था। ओके। फैज भाई आप इंग्लिश टीचर हैं बाय प्रोफेशन। यस सर। तो ये बताइए कि पहले ये ख्याल कैसे आया कि आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं? yes, और किन के साथ बने? आपका जो पहले स्टूडेंट थे वो आपको कैसे प्राप्त हुआ? सर इंग्लिश में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, इंग्लिश पढ़ने में और अच्छा रहता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से था जी। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खास बात होती है कि उनका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है जी। सो मैंने वहाँ से लोगों को पढ़ाया, अपनी स्टाइल में पढ़ाया तो पसंद आया। कोई उदाहरण जी ने आपने कहा कि आपका तरीका जो है पढ़ाने का कुछ अलग ही था? कुछ सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ड मीनिंग्स याद करने में जी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ एक वर्ड का, एबडिकेट एक वर्ड है जी। एबडिकेट, एबडिकेट टू गिव अप मीन्स होता है उसका, त्याग देना हिंदी में हम कहें। आमतौर पर राजा महाराजाओं के यहाँ सिंहासन को त्याग एब्डिकेट। यस सर, बिल्कुल। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एब्डिकेट वर्ड है, उसमें हम अगर ध्यान से देखें तो एक वर्ड और मिल रहा है हमें, कैट। कैट एब्डिकेट में कैट मिल रहा है। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि लाइव एग्जांपल देता हूँ उन्हें कि इसमें कैट है, बहुत बड़ी बिल्ली है, वो बिल्ली आई, उसने अपना दूध नहीं पिया, वो दूध त्याग के चली गई, टू गिव अप। तो बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता है। ओह, क्योंकि ये लाइव एग्जांपल है उनके सामने। बहुत खूब, दिस इज वंडरफुल वे टू डू। कभी कभी ये छोटे छोटे उदाहरण जो होते हैं yes, sir. यही हमारे दिमाग में रहते हैं yes, sir. और जिंदगी भर फिर हम सोचते रहते हैं कि यही चीज है। एक एग्जांपल और है सर, जैसे दो वर्ड्स होते हैं नॉर्मल टेंसेस में यूज करते हैं हम, सिंस या फॉर। और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ सिंस यूज करें, कहाँ फॉर यूज करें।
सो एक बहुत आसान तरीका है, उसको मैंने साइंस से रिलेट किया हुआ है. जैसे से फॉर एग्जांपल 1947 है तो हम लोग सिंस यूज़ करते हैं. 1947 इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम. लेकिन अगर यूनिट ऑफ टाइम की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड, मिनट, ईयर, डिकेड्स. तो जहाँ भी यूनिट ऑफ टाइम आए आप आँख बंद करके वहाँ फॉर लगा दीजिए. 90% केसेज में आप सही होंगे. जैसे से फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, सो फॉर 1 मिनट. लेकिन 2015 है, 2015, तो सिंस 2015. सो 2015 इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. और 2 मिनट जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है मिनट. सो आप फॉर लगाए. वेरी यूनिक वे. ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था अभी तक फैज भाई. लेकिन अब जो हमारे घर में नाती पोते सब हैं उनको मैं ऐसे ही सिखाने वाला हूँ. फैज भाई, यस सर, आगे बढ़ते हैं. 3,20,000 रुपये आप जीत गए हैं. yes, अब यहाँ पर कोटि की चोटी का जो प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा. और अब आपके पास समय ही समय है. यस सर. घड़ी बड़ी जी बंद हो गई है. एक ही लाइफ लाइन बची, बहुत ध्यान से खेलिएगा. यस सर. अगला प्रश्न जो होगा वो 6:40 का होगा. आप यहां पर नो रिस्क, लीस्ट रिस्क पे. यस सर. कुछ मान लीजिए गलत भी हो गया तो 3:20 पे ही रहेंगे आप, नीचे कुछ हारेंगे नहीं. यस सर. खेलिएगा जरूर. यस सर. 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा, इनमें से कौन सी वो एक जोड़ी है जो सही है? तीन जोड़ियां जो है वो गलत हैं, एक जोड़ी सही है. विच इज द ओनली वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस दैट इज करेक्टली पेड. ऑप्शंस ए, नेशनल एंथम वंदे मातरम. बी, नेशनल सॉन्ग जनगण मन. सी, नेशनल एनिमल लायन. डी, नेशनल लैंग्वेज नन. बहुत सोच समझकर और ध्यान से उत्तर दीजिएगा. हिंदी ऑप्शन देता हूं मैं आपको. यस. राष्ट्रगान वंदे मातरम. दूसरा है राष्ट्रगीत जनगण मन. तीसरा है राष्ट्र पशु सिंह. और चौथा है राष्ट्रभाषा कोई नहीं. सर, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ है. दैट इज वाई ऑप्शन इसका डी है. नेशनल लैंग्वेज नन, राष्ट्रभाषा कोई नहीं. कोई नहीं. फाइनल उत्तर है ये आपका? जो सही है. यस सर, प्लीज लॉग डी. कबीर महाशय, डी, राष्ट्रभाषा कोई नहीं. ताला लगाया जाए. क्यों ऐसे लगा आपको? सर, संविधान की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये मैंने पढ़ा हुआ है. और जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रीय पशु टाइगर है, बाघ है. सो एक ही ऑप्शन बचता है, डी. आप बिल्कुल सही हैं, ये 6,40,000. वेल प्लेड. एक और जीत आया आपके नाम फैज भाई. ₹6,40,000 का चेक. थैंक यू सर. थैंक यू. इसे मैं अपने पास रखूंगा. हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट और अंग्रेजी. यस सर. भारत सरकार की राजभाषा यानी राजकाज की भाषा है. यस. भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है. कोई उल्लेख नहीं. वेल प्लेड फैज भाई. थैंक यू सर. और ऐसे ही आप आगे बढ़ें. अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का. यस सर. केवल एक लाइफलाइन बची है आपके पास, जोड़ीदार की. सही उत्तर आपको देंगे 12,50. यदि गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 3:20 पर. 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर. ये रहा, शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद किस अन्य नाम से लोकप्रिय थे? What was the other popular name by which the ruler
नासिरुद्दीन मोहम्मद वॉज नो ए अकबर बी हुमायूं सी जहांगीर डी बाबर टेक योर टाइम इत्मीनान से सोचिए गलत आपको नीचे ले आएंगे 3:20 पर सही आपको देंगे 12:50 So please lock B Humayun. B Humayun. Yes sir. Sure है? Yes sir. ये आपका final उत्तर है? Final उत्तर. Computer महाशय Humayun B पे ताला लगाया जाए. First boy, you're absolutely right. Well played. Very good. Well done. एक और check आ गया है आपके नाम. ₹12,50,000 ये रहा आपका एक और चेक थैंक यू सर ये भी मैं अपने पास रखने जा रहा हूं वेल प्लेड फर्स्ट भाई थैंक यू सर तो हुमायूं का असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था जबकि वे हुमायूं के नाम से लोकप्रिय थे यस सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर जी जी सर मैं जहां से बिलोंग करता हूं होशंगाबाद से जी सर नर्मदा के किनारे बसा हुआ वो शहर है जी तो मैं जब यहाँ KBC में आ रहा था और कुछ लोगों को पता चला मैं आ रहा हूँ तो सर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपसे कहूँ उनके बिहाफ में कि जिस तरह से आपने सर हनुमान चालीसा अपनी रिकॉर्ड आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ है आई थिंक किया हुआ है शायद हाँ जी हाँ जी तो वो चाहते हैं कि सर नर्मदा अष्टक जो है आई थिंक नर्मदा जी की आरती है प्लीज़ आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दीजिए सर तो हम वहाँ होशंगाबाद डेली अपने घाट में जो है चलिए मैं आश्वासन देता हूँ कि इसको आप लाए हैं साथ में थैंक यू सो मच नर्मदा अष्टक मैं बहुत ही गर्व करता हूँ थैंक यू सो मच आइए ये आरती जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर है और सब बहुत ही रिक्वेस्ट की सही कहा आपने मैं हनुमान चालीसा मैंने यस सर गाकर किया है और पिछले साल हमने सिद्धि विनायक जो मंदिर है वहाँ पर यस सर गणेश आरती भी गाई है इसका मैं प्रयत्न करूँगा अवश्य बहुत बहुत शुक्रिया और होशंगाबाद में जितने भी लोग दर्शनार्थी और हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि फैज़ भाई की जो बात है उसको मैं सराखों पर और कभी अवश्य इसका प्रयत्न करूंगा थैंक यू सो मच सर सर एक रिक्वेस्ट और थी सर हाँ जी सर मेरे बड़े मामू साहब हैं जनाब नवेद आफरीदी साहब वो आपके बहुत बड़े फैन हैं सर ओके तो अगर आप उनसे आदाब और सलाम जी, जी कहाँ हैं वो भोपाल में हैं सर जी आफरीदी साहब मैं आपको सलाम दुआ करता हूँ और फैज़ भाई यहाँ बैठे हुए हैं उनकी गुजारिश है कि आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लूँ आप तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन कभी आपसे मुलाकात होगी तो अवश्य मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ भाई ओके ओके फैज़ भाई आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर यस सर यह है 25 लाख रुपए का यस सर एक लाइफलाइन बची हुई है यस सर बहुत समझदारी के साथ आप खेल रहे हैं और इसी समझदारी के साथ आप आगे भी बढ़ें 25 लाख रुपए 13वां प्रश्न फैज़ मोहम्मद खान साहब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा इनमें से किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनमें से किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज द ओनली वन टू हैव बीन अवॉर्डेड
द नोबेल पीस प्राइज 3 times. ऑप्शन सुनिए. ए UNHCR, बी UN पीसकीपिंग फोर्स, सी रेड क्रॉस, डी मेडिसिन सॉ फ्रंटियर. UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, रेड क्रॉस, मेडिसिन सॉ फ्रंटियर. एक लाइफलाइन है आपके पास, समय की कोई पाबंदी नहीं. सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, यदि गलत हो गए तो नीचे ले आएंगे 3 20. एकदम शोर हो तो उत्तर दीजिए, क्योंकि यहां गेस वर्क आमतौर पर नहीं चलता. किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं या अपने जोड़ीदार को बुला सकते हैं. सर लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे. कंप्यूटर भाषा है, फैज मोहम्मद खान साहब अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार का इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए. और ईशान साहू जी आइए, स्वागत आपका, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं. इनकी मदद कीजिए आप. थैंक यू. बस थैंक यू. प्रश्न आपने सुन लिया होगा, इनमें से किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? UNHCR का पूरा होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, और बी है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, सी है रेड क्रॉस, डी है मेडिसिन सॉ फ्रंटियर. सर थोड़ा बी में इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूक्लियर से रिलेटेड न्यूक्लियर जो टेस्टिंग और ये सब चीज था उसमें शायद यूएन पीसकीपिंग फोर्सेस थे. भाई साहब मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है. हाँ नहीं, मैं आप आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए. आप लोग श्योर है? पता 50-50 है, रिस्क नहीं लेना चाहिए. आंसर तो बताओ. श्योर होता है न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ था, बट थर्ड क्या लिखो? थ्री टाइम्स लिखा ना, थ्री टाइम्स किसी को मिला था नोबेल पीस प्राइज. ठीक है, आई एम नॉट श्योर दैट मच दैट दिस इज द यूएन पीसकीपिंग फोर्सेस. इट वाज UNHCR. हां UNHCR श्योर? देन आई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन UNHCR है यूनाइटेड नेशंस High Commission for Refugees. High Commissioner for Refugees. तुक्का नहीं. उसके कारण नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 3 times. रिसेंट में था तो
श्योर नहीं था। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे फैज भाई, ये आपका अंतिम निर्णय? ओके कबीर जी, फैज मोहम्मद खान खेल को क्विट करेंगे। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं और ये चेक अब आपका हो गया है फैज भाई। तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और फैज भाई, किसी एक को अगर आपको गेस करना होता तो किसे करते? सर रेड क्रॉस को गेस करता हूँ। रेड क्रॉस को। सी रेड क्रॉस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही होता है या नहीं। भाई साहब ये सही होता। चल रहा था आप दोनों के मन में ये? यस सर, मैंने कहा भी था रेड क्रॉस। क्यों नहीं माना आपने इनकी बात? सर अभी रिसेंटली सर वो न्यूक्लियर वाला भी एक हुआ था, बट आपका मन कहाँ जा रहा था? सर मेरा भी दोनों में, मैं भी 50-50 था एकदम। 50-50 था। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इनको ये पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 में मिला। 1963 में ये पुरस्कार इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ने लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज के साथ शेयर किया था। लेकिन फैज भाई बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से आपके लिए, मैं आपके लिए एक बार फिर तालियां बजवाना चाहूँगा। एक शायरी और सुनाना। जी जी आवाज सुनाइए। जी जी, जैसा मैंने बताया कि हम अशफाकुल्लाह खान साहब पे एक प्रोग्राम करते हैं, सो ये शायरी मेरे दिल के बहुत करीब है सर। अर्ज़ है कि वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तहान हूँ, वक्त बेवक्त अपनी वफादारी का इम्तहान हूँ, दोस्तों में यारों में यारी का इम्तहान हूँ, नमाज की रोज़े की अजान की पहचान हूँ, और कितना खुश नसीब हूँ जो इस मुल्क का मुसलमान हूँ। क्या बात है, कितना खुश नसीब हूँ। मैंने अशफाकुल्लाह से वतन पे मरना सीखा, मौलाना कलाम से वतन के लिए कुछ करना सीखा, और मेजर उस्मान की तरह हर हाल में वतन पे कुर्बान हूँ, कितना खुश नसीब हूँ जो इस मुल्क का मुसलमान हूँ। होली हो, ईद हो या दिवाली हो, सदा खुश होता हूँ मैं, वतन की खातिर अमन की खातिर अपनी दुआओं में रोता हूँ मैं, और हर हिंदुस्तानी की तरह भारत माँ के चेहरे की मुस्कान हूँ, कितना खुश नसीब हूँ जो इस मुल्क का मुसलमान। क्या बात है, बहुत ही। Once more a big hand for you। और मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो जो 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं ये अब डिजिटली द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे। फंड ट्रांसफर 12,01,23, ठीक है ये? यस सर। मैथमेटिक्स में हम बहुत कमज़ोर हैं, इसको कंफर्म किया, फिर से ओके किया और 12,50,000 आपके अकाउंट में पहुंच गए। बहुत ही तेज तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है और सुरक्षित। अब ईशान भाई। यस सर। आपको एक फोटो लेनी है हमारी। सर बिल्कुल। इधर आ जाइए, ये फिंगरप्रिंट से ये फोन चालू हो जाता है। यहाँ खड़े होकर के वर्टिकली लीजिएगा। यस सर। तो देवी और सज्जनों, फैज मोहम्मद खान होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 12,50,000 रुपए जीत कर गए। बहुत उमदा तरीके से खेले। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। आपका ध्यान होना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनकी भूमि क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जिसका भूमि क्षेत्रफल सबसे कम है उसे पहले रखें। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैंड एरियाज। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्रीलंका, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी इंडिया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए श्रीलंका, फिर आता है सी पाकिस्तान,
उसके बाद डी इंडिया और अंत में बी चाइना या चीन। ए सी डी बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं ये, और सबसे तेज उत्तर किसका है? मनीष पाटिल। बहुत बहुत बधाई आपको मनीष जी, बहुत बहुत बधाई। आइए हम आप चलते हैं वहां। मनीष जी, इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, हम चाहते हैं कि एक हमारे दर्शक वीडियो देख लें आपके ऊपर। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम मनीष नारायण पाटिल है, मेरी उम्र 49 साल है, मैं अंबरन म्यूनसिपैलिटी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता हूँ। दरअसल पहले डाउट था कि शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये लगता था कि घर में कभी झाड़ू मारने की नौबत नहीं आई थी, शायद मतलब घर में नहीं क्या, लोगों के दरवाजे में जाकर मैं क्या काम सफाई का काम करूंगा। पहले दिन काम किया तो ऐसा थोड़ा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में लगा नहीं यार क्या आसान काम है। मैं जो फिलहाल जो मैं सफाई का काम करता हूँ उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मुझे बड़ा ये होता है अपने आप पर कि इससे मेरा घर भी चलता और समस्याओं भी हो जाती, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग जो ये काम करना चाहते हैं। मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ इस बारे में कि चलो मुझे किसी के हाथ में फैलने नौबत नहीं आती, लेकिन ठीक है ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की फरमाइशें होती है। दरअसल मेरा बेटा 2 साल से मुझे क्रिकेट कोचिंग के लिए कह रहा है, चाहता हूँ कि उसकी उम्मीद पूरा हो, 2 साल से मुझे टाल रहा हूँ मैं। अगर आप अपने बच्चों की जिद नहीं पूरी कर सकते फिर क्या बात है, इसलिए लगता है बुरा लगता है। मैंने बचपन से कोई ख्वाहिशें नहीं की थी, मुझे डर लगता था ख्वाहिशें करने से, मुझे मान लेते पूरी नहीं होने वाली, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, इसलिए मैं 1 करोड़ से ज़्यादा से ज़्यादा रकम जीतना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं बड़ी रकम जीत जाता हूँ तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और उन्हें वो लाइफ जिंदगी में जीनी पड़ेगी जो मैंने जी है। मनीष पाटिल जी, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत से लोगों को, जैसे कि आपने अभी कहा, शंका होती है इस तरह का काम करने के लिए, लेकिन आप अपने आप को छोटा महसूस मत कीजिए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय काम है और हर देश का प्राणी जो है गर्व करता है आपके ऊपर और आप जैसे लोगों के ऊपर। हम ताली बजाएंगे आपकी। आप कह रहे थे कि शुरू में आपको लगा कि आप इस तरह का काम नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, मुझे लगा था ऐसा कि मैंने घर में भी ऐसे कुछ काम नहीं किया था, तो अब लोगों के घर के सामने झाड़ू मारना, गटर निकालना, लगा था कि मुझसे नहीं होगा। फिर जब बेरोजगार था 3-4 सालों से, नौकरी का कॉल आया, तो इंटरव्यू हुआ, पास भी हो गया इंटरव्यू में, तो नौकरी लग गई। तो फिर भी एक दिन पहले तक तो मैं सोच रहा था शायद मुझसे नहीं होगा। फिर जब काम शुरू किया, सुबह जब हाजिरी दी काम शुरू किया, तो पैर पर थोड़ा कीचड़ गिर गया, शुरुआत के कामों में गंदगी गिर गई पैरों पर, तो लगा मुझे यार कुछ नहीं यार, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, बस इतना ही तो है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, थोड़ा पैर गंदा होगा और क्या होगा, फिर सब आसान हो गया। और मैं कहता हूँ सर, उसके बाद मुझे ऐसा लगा ना कि साफ सफाई रखना बहुत आसान काम है सर, लोग इग्नोर करते हैं इस बात को, लेकिन साफ सफाई रखना बहुत आसान काम है। 21 साल की सर्विस के बाद ऐसा लगता है ना कि ये काम शायद मैं यही काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और मुझे खुशी भी मिलती है इस काम में, क्योंकि मेरा घर भी चल जाता है और समस्याएँ भी होती है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको मनीष जी। बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है आपके साथ, लेकिन खेल को भी आगे बढ़ाना है, तो मनीष जी
खेल के नियम तो आपको पता ही हैं, 15 प्रश्न आपके सामने आएंगे और 1,000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ रुपये तक जाएंगे। दो पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000, दूसरे पड़ाव जो आता है वो 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और उसके बाद हमारी जो कोटि की चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ रुपये का, उसका द्वार खुल जाता है। और घड़ी बड़ी जी है, पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, उसके बाद अगले 5 प्रश्नों के लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे और उसके बाद फिर समय ही समय आपके पास। 4 लाइफलाइन आपके लिए, ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50 जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाएं, शायद अपनी पत्नी को लाएं। प्रणाम करता हूँ, आपका शुभ नाम? मानसी, मनीष पाटिल। मानसी जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। तो यदि आपको आवश्यकता पड़ी तो उन्हें आप यहाँ बुला करके उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं और हमारी जो एक्सपर्ट एडवाइस, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पद्मजा जोशी जी हैं, बहुत ही जानी मानी हस्ती, एक बार उनका हम परिचय करवा दें आपसे। पद्मजा जी प्रकट हुई हमारे सामने, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर। पद्मजा जी, मनीष पाटिल हमारे सामने हैं जी, आप अगर इनसे कुछ बात करना चाहें। मनीष जी, आपने जो अपनी लाइफ की कहानी सुनाई है उसके सामने अब आगे क्या कह सकते हैं? अगर आपने इतनी कोशिश करके यहाँ तक आप आए हैं और जिस तरीके से आपने 4 सेकंड में सारे सवालों का जवाब दिया, मुझे लगता तो नहीं है आपको किसी की भी जरूरत है, आपके स्ट्रगल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पद्मजा जी। मनीष जी हमारी शुभकामनाएं और देश भर की शुभकामनाएं आपके साथ। खेल को शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आपका? तो देवियों सज्जनों चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? रेडी मनीष जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1,000 रुपए के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इडली, बिरयानी और खीर बनाने के लिए इनमें से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? परिचित है इन सब चीजों से? विच ऑफ दीज इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन इडली, बिरयानी एंड खीर? ऑप्शंस देखिए, ए राइस, बी मिल्क, सी शुगर, डी कोकोनट। चावल, दूध, चीनी या नारियल? चावल। ए चावल, चोर है, ताला लगाने लायक? बिल्कुल। ए चावल पे ताला लगाइए कबीर जी, सही जवाब आपका, पहले ही ताली बज गई, 1,000 जीत गया। चावल भारत की आधे से अधिक आबादी के लिए और विशेष रूप से दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख भोजन है। चावल, चावल का इस्तेमाल कई तरीके से, जैसे कि खीर, इडली, उत्तपम, खिचड़ी बनाने में किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर और इसका मूल्य है 2,000 रुपये। तैयार है मनीष जी? जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर छलांग नहीं मार सकता? ऑप्शन सुनिए, ए फ्रॉग, बी एलिफेंट, सी कैट या डी मंकी? मेढक, हाथी, बिल्ली या बंदर? हाथी, बी। हाथी, बी, ताला लगा दे, बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, ये भी सही उत्तर, 2,000 जीत गए। आम मैमल्स की तरह जो हाथी के पांव की जो हड्डियां होती हैं वो नीचे को ऐसे जाती हैं, तो इसलिए उनमें वो दम नहीं है कि वो वहां से स्प्रिंग कर सके। तो ये वजह, मैं समझा वजन की वजह से छलांग नहीं मारते। नहीं, इसी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, और अगर कहीं सीधा हो जाता उनका तो अनर्थ हो जाता है कि नहीं, कूद कूद के न जाने क्या क्या फोड़ देते, वैसे भी बहुत कुछ फोड़ देते हैं वो, लेकिन है बहुत अच्छे जानवर और इनकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ अभी अभियान चला है हाथी को, क्योंकि हाथियों के प्रति जो है लोगों की जो दृष्टि है वो कुछ गलत हो रही थी, बहुत से हाथी बीमार हो जाते हैं, उनको गलत उपयोग में लगा दिया जाता है और हम सब भी उसमें लगे हुए हैं किस तरह से हाथी को बचा करके रखा जाए। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3,000 रुपये। हुटर बज गया है तो आज खेल की समाप्ति यही होगी मनीष जी, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आपके साथ इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है, सबसे पहले हम विदा लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। पद्मजा जी एक बार फिर आप सामने आइए हमारे, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो योगदान रहा वो सराहनीय था, और इसी तरह आप मदद करते रहिए हमारे कंटेस्टेंट्स को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां बज जाए पद्मजा जी के लिए।
तो देवी और सज्जनों, खेल की शुरुआत में मैंने जनता की ताकत के बारे में कहा था, तो जाते जाते भी हमारे घर बैठी जनता को ही मैं संबोधित करना चाहूंगा। देखिए, ये आपका प्यार और साथ है जो पिछले 18 सालों से हमारे लिए धड़कन और सांसों का काम कर रहा है। जब तक आपका प्यार है तब तक हम हैं, इसे हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभरात्रि, 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 गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। कचरा डालते हैं वही मेरे पापा उठाते हैं और वो एक प्रकार से सेवा ही कर रहे हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मेरा बेटा क्रिकेट सीखना चाहता है, तो मैंने उसे कह दिया था कि घर में खेलने से अच्छा क्रिकेट कोचिंग में करो, लेकिन 2 साल से मुझे टाल रहा हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्यों जी? एक तो किट बहुत महंगा है और कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड होता था मुझे। मनीष जी, ये 12,50,000 रुपये क्या मायने रखता है आपके जीवन में? बहुत ही मायने रखता है सर, इससे मेरा पूरा कर्जा निकल जाएगा। बच्चों के लिए सेविंग रख सकता हूँ और पहले तो मेरे बेटे का क्रिकेट का किट आएगा और कोचिंग के लिए जाएगा। जी जी, आपके बच्चे यहाँ आए हुए हैं या नहीं? जी हाँ हैं। बुलाया जाए उनको। हमारे पास इन दोनों के लिए कुछ है, बोलो। हैवी क्रिकेट किट चाहिए था आपको, ये रहा क्रिकेट किट आपका। तेरहवां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, फाइनल उत्तर बताइए। मानसी जी, क्या लगता है आपको, लॉक करना चाहिए था या क्विट करना चाहिए? नहीं बोल पा रहे हैं कुछ। इन्होंने कहा था कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, उनके बाल तो घोंसले जैसे हैं। लंबे बाल थे आपके? आपके जैसा वो स्टाइल रखता था मैं, अब्दुल कलाम वाला। जीवन में पहली बार किसी ने कहा कि मेरे बाल जो है वो घोंसले जैसे हैं।